नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन पर नजर डालते हैं। जलालाबाद में प्रशासन ने अल्टीमेटम के बाद अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की कार्रवाई। बीते दिनों प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की दी थी चेतावनी, अतिक्रमण न हटाने पर आज चला बुलडोजर। शाहजहांपुर में भी नगर निगम ने की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। बुलडोजर की मदद से हटाया गया अतिक्रमण। कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। जिले भर में बाघ का आतंक जारी। बंडा में खेत पर गए किसान पर बाघ ने किया हमला। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल। सिंधौली के चंदपाई और कीरतपुर में भी दिखे बाघ के पदचिन्ह। जलालाबाद में अखिल भारतीय प्रधान संगठन की बैठक हुई संपन्न। बैठक में ग्राम प्रधानों ने सचिवों पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, विकास कार्यों में ग्राम सचिव नहीं कर रहे सहयोग। और शिक्षकों की तमाम समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने वैश्विक शिक्षा राज्य मंत्री से की मुलाकात। का कई समस्याओं से जूझ रहे हैं प्रदेश भर के शिक्षक। बंडा के धर्मापुर में खेत में काम कर रहे दो लोगों पर टाइगर ने हमला किया है। टाइगर के हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टाइगर के गन्ने के खेत में होने की आशंका के चलते वन विभाग और पुलिस टीम ड्रोन के जरिए टाइगर का पता लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल इलाके में टाइगर होने से दहशत फैली हुई है। धर्मापुर में जंगल के किनारे खेत पर 20 साल का विशाल और 30 साल के मोहम्मद आसिफ घास काट रहे थे। इसी दौरान गन्ने के खेत से निकले टाइगर ने अचानक दोनों पर हमला कर दिया। दोनों के चेहरे और पीठ पर पंजे लगे हुए हैं। आसपास काम कर रहे ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसे टाइगर गन्ने के खेत में चला गया। आनन फानन में दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बंडा के धर्मापुर में टाइगर के हमले के बाद लोग टाइगर को देखने के लिए जान को जोखिम में डालते हुए दिखाई दिए। दरअसल जैसे ही टाइगर के हमले की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। आशंका जताई जा रही थी कि टाइगर पास के ही गन्ने के खेत में मौजूद है। इसके बाद टाइगर की झलक पाने के लिए कई लोग खेत किनारे खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ों पर चढ़ गए। वनरेंज सिंधौली के चंदपाई और कीरतपुर गांव के आसपास जंगली जानवर के पंजे देखने को मिले हैं, जिसके बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने आशंका व्यक्त की है कि यह पंजे टाइगर या तेंदुए के हो सकते हैं। वहीं सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने कई जगह पर कैमरे लगाकर जानवर की पहचान करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि करीब 4 दिन पहले इसी इलाके में जंगली जानवर के हमले से भैंस के एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद से लोग काफ़ी दहशत में थे। उसके बाद से रोज़ाना जंगली जानवर की चहलकदमी का आभास हो रहा है और कई जगह पर पंजों के निशान भी मिले हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली जानवर के पंजे देखने के बाद से वह काफ़ी दहशत में हैं और किसान अपने खेतों पर काम करने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों से आसपास के लोगों के कुत्ते और बकरियां भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। लोगों की मांग है कि जंगली जानवर को जल्द से जल्द पकड़वाया जाए, अन्यथा कोई अनहोनी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात करने पहुंचा। शिष्टमंडल ने शिक्षकों को होने वाली तमाम समस्याओं को साझा किया और उनके निस्तारण कराने की बात भी कही। वहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने भी शीघ्र कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। कलान थाना क्षेत्र के नौगमा मुबारकपुर गांव के पास बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया।
बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा भोला ढाबा के पास का है। बाइक सवार तीनों युवक कलान में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव और उत्तर प्रदेश के गन्ना शोध परिषद के पादप रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह ने आज टीम के साथ मिलकर निगोई चीनी मिल क्षेत्र के दर्जनों गांव में भ्रमण कर गन्ना किसानों से मुलाकात की। इस दौरान किसानों को रेड राड और चोटी बेधक कीटों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि किस तरह से इन रोगों से निजात पाई जा सकती है और रोकथाम के उपाय के बारे में भी जानकारी दी गई। सायाहपुर मेडिकल कॉलेज में आज दो दिवसीय इमरजेंसी ट्रामा केयर वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ। वर्कशॉप में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार ने सभी चिकित्सकों और एम्बुलेंस कर्मियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण दिया। मेडिकल कॉलेज की पीआरओ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी पांडे ने बताया कि प्रदेश में सड़क हादसों और उससे पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए शासन ने ट्रामा केयर दे रहे चिकित्सकों, नर्स और एम्बुलेंस कर्मियों को खास प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। जलालाबाद में प्रशासन ने अल्टीमेटम के बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर बुलडोजर से कार्रवाई की है। बीते दिनों उपजिलाधिकारी बरखा सिंह ने व्यापारियों के साथ बैठक कर उन्हें दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को हटाने की बात कही थी और ना हटाने पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी थी। वहीं व्यापारियों ने दुकानों के सामने से अतिक्रमण नहीं हटाया तो आज प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन की कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शाहजहांपुर में जहां एक और प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने प्रशासन की नाक के नीचे ही अवैध पार्किंग बना दी है। तस्वीरें कलेक्टेड परिसर की हैं। यहां प्रशासन की गाड़ियों के अलावा आम लोगों के भी दर्जनों वाहन खड़े रहते हैं और कलेक्टर परिसर पार्किंग की तरह नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष अनवर उल्ला खान ने तिलहर नगरपालिका के ईओ को ज्ञापन देकर उनसे मांग की है कि बिना किसी भेदभाव के और गरीबों का विशेष ध्यान रखते हुए अतिक्रमण अभियान को चलाया जाए। आपको बता दें कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर से कार्रवाई की थी, साथ ही चेतावनी दी थी कि जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो स्वयं उसको हटा लें। बंडक के धर्मपुर गांव में टाइगर ने एक और तीसरे युवक पर दोपहर बाद हमला कर दिया। टाइगर के हमले में युवक के सिर और पीठ पर कई जगह जख्म हुए हैं। तीसरे हमले के बाद वन विभाग की टीम ने गन्ने के खेत के चारों ओर जाल लगा दिया है। इसके अलावा टाइगर को पकड़ने के लिए बकरे को भी बांधा गया है ताकि शिकार के लिए टाइगर बाहर निकले और उसे पकड़ लिया जाए। मौके पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ का तांता भी लगा हुआ है। भाजपा के कटरा मंडल में आज कामकाजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णचंद्र मिश्रा और जिला महामंत्री कमांडो अनिल सिंह चौहान रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कटरा मंडल के अध्यक्ष अजीत सक्सेना ने की। बैठक में भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जलालाबाद तहसील परिसर की ओर जाने वाले रास्ते पर खड़े वाहनों के खिलाफ आज चालानी कार्रवाई की गई। दरअसल बीते दिनों लोगों ने शिकायत की थी कि यहां तहसील में आने वाले वादकारियों और अधिवक्ताओं द्वारा अपने वाहन सड़क पर ही खड़े कर दिए जाते हैं, जिसके चलते जाम की समस्या बनी रहती है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आज चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों के चालान काटे गए। जलालाबाद विकासखंड मुख्यालय पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन की आज एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान संगठन के अध्यक्ष कुलदीप दीक्षित ने की। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने अपनी तमाम समस्याओं को बैठक में साझा किया। प्रधानों का आरोप था कि ग्राम सचिव विकास कार्यों में सहयोग नहीं करते और विकास कार्यों को लेकर टाल मटोल करते हैं, जिसके चलते उनको परेशानी होती है।
महानगर के चौक क्षेत्र स्थित मारवाड़ी पाठशाला में 5 दिवसीय पेट रोग निवारण योग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का आयोजन भारतीय योग संस्था के द्वारा कराया गया। इसका शुभारंभ SS कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अवनीश मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में पेट से संबंधित होने वाली परेशानियों को कैसे योग के माध्यम से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई।